बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, जो कि पाकिस्तान की क्रिएशन के तकरीबन 9 इयर्स बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के बारे में डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इट स्टार्ट द टॉपिक। वेल, तो इस यूजुअल में अपने लेक्चर्स की स्टार्ट लेती हूँ बैकग्राउंड हिस्ट्री से, तो इसकी भी स्टार्ट लूंगी मैं बैकग्राउंड से, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नर जनरल था गुलाम मोहम्मद, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, सो जब गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करता है, तो अगेन वो क्या करते हैं कि जो मोहम्मद अली बोगरा थे उनको दोबारा से इन्विटेशन देते हैं, किस लिए? टू फॉर्म द न्यू मिनिस्ट्री। ठीक है, सो जब न्यू मिनिस्ट्री बनती है मोहम्मद अली बोगरा की दोबारा से, तो उसमें हमें कुछ न्यू फेसेस मिलते हैं, जैसा कि से उसमें उस न्यू कैबिनेट में जनरल अयूब खान, उस टाइम के जो देन कमांडर इन चीफ थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, डॉक्टर खान साहब एंड सोहरवर्दी इस कैबिनेट में शामिल थे। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर जनरल अयूब खान की इंडक्शन की वजह से कैबिनेट में क्या था कि दिस पेव द वे फॉर मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन दी कंट्रीज पॉलिटिकल अफेयर्स, विच पे प्रूव्ड करेक्ट विद द इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ इन 1958। और अब तक हम देखते चले आ रहे हैं कि तमाम जो हुकूमतें आती है तो उसमें मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, मींस के हम जो कंट्रीज के पॉलिटिक्स है उसमें मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो आगे चलकर हम इसको देखते हैं, देखेंगे मजीद अपने हिस्ट्री में, अपने टॉपिक्स में के मिलिट्री की इंडक्शन या मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या क्या गंध मचाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, सो इस मकसद के लिए क्या किया गया कि जो सेकंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनाई गई, सेटअप कर दी गई 1955 में, जिसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? 80 मेंबर्स थे। ठीक है, सो अ कोलिएशन गवर्नमेंट वॉज सोन इन, जिसमें चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जबकि मोहम्मद अली बोगरा को वापस अपने फॉर्मर पोजीशन पर भेज दिया जाता है यूएसए में। तो जब चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ देते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं फोर्थ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी तक जितना हमने पढ़ा, हमने देखा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो उसमें फर्स्ट रिपोर्ट पेश किया गया था जो कि नाकाम हुआ था, सेकंड रिपोर्ट पेश किया गया था जो नाकाम हुआ, थर्ड रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया गया वो भी नाकाम हुआ, तो अब चौधरी मोहम्मद अली का जो ड्राफ्ट था वो फोर्थ नंबर पे आ रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर इस वजह से मेंशन है कि उन्होंने फोर्थ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस किया, जिसको 9 जनवरी 1956 को असेंबली में पेश किया गया, जबकि 29 फरवरी 1956 को इसको पास किया गया। ठीक है, एंड द असेंट वाज गिवन ऑन इट बाय द गवर्नर जनरल ऑन 2 मार्च 1956, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था अल्टीमेटली 23 मार्च 1956 को कंट्री में इंफोर्स किया गया। तो अब डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को डिटेल के साथ, और इसके साइलेंट फीचर को भी वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के टोटल 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, और इसके 6 स्केड्यूल थे। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन हम इसके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट वन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मींस डेट के मुल्क का नाम क्या सजेस्ट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक के मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको एज अ प्रीएम्बल के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होगी, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी फेडरल। ठीक है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी। फेडरल सिस्टम या फेडरेशन किसे कहते हैं, तो फेडरेशन उसको कहा जाता है जिसमें पावर्स को या अथॉरिटीज को इख्तियारात को डिवाइड किया जाता है अमंग दी सेंटर एंड ऑल दी प्रोविंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था अबाउट दी पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुताबिक इसमें प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। अब अगर मैं मजीद पार्लियामेंट्री सिस्टम को इलाबोरेट करूँ तो कहा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग के प्रेसिडेंट जो होगा वो मस्ट मुस्लिम होगा और इसकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी जो टर्म ऑफ ऑफिस होगी प्रेसिडेंट की वो 5 ईयर्स होगी। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा, ऑडिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना किसकी जिम्मेदारी होगी, प्रेसिडेंट की होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली को समन भी कर सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है और इसको डिसॉल्व भी कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मोरओवर नो बिल इम्पोजिंग टैक्सेस और इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर कुड बी मूव्ड विदाउट हिज कंसेंट। ही हैड पार्शियल वीटो पावर, ही कुड गिव और विदहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास बाय द असेंबली। इसके अलावा अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर भी मस्ट मुस्लिम होगा। इसकी टर्म ऑफ ऑफिस भी एज प्रेसिडेंट वो भी 5 ईयर्स होगी। इसके अलावा पीएम जो होगा प्राइम मिनिस्टर वो पार्लियामेंट्री ग्रुप का लीडर होगा एंड ही हैज ऑथराइज्ड टू नॉमिनेट हिज कैबिनेट अमंग द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होगा वो आंसरेबल होगा टू दी असेंबली। तो ये थे कुछ फंक्शंस प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। कहा गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में के यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा। यूनिकैमरल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक हाउस होगा। ठीक है, और वो हाउस होगा नेशनल असेंबली। क्लियर, इस नेशनल असेंबली में टोटल मेंबर्स की जो सीट्स होंगी वो 300 होगी जो कि इक्वली डिवाइड होगी अमंग बोथ दी विंग्स ऑफ दी कंट्री। विंग्स का मतलब है कि दोनों प्रोविंसेस में जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थी उस टाइम उसमें बराबर तकसीम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल स्ट्रक्चर के हवाले से। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया दैट दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन दी कंट्री, जिसमें सुप्रीम कोर्ट होगा जिसको हेड करेगा चीफ जस्टिस, जबकि हर एक प्रोविंस में हाई कोर्ट्स होंगे विच कंसिस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस एंड फ्यू अदर जजेस। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट्स हासिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामिक प्रोविजन के हवाले से। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि अगर कोई लॉ जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट होगा तो उसको इनेक्ट नहीं किया जाएगा, इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। लास्ट है लैंग्वेज के हवाले से। सो बोथ उर्दू एंड बंगाली विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
जो कि इतना ज्यादा डिले होने के बाद तकरीबन 9 ईयर्स के बाद ये मुल्क में नाफिस हुआ था. बट इन स्पाइट ऑफ दैट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री कुड नॉट बी इम्प्रूव्ड इवन आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड. उसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो ऐसे ही थी. जो इलेक्शंस था जिसको अप टू 1958 हेल्ड होना था वो इलेक्शंस नहीं हुए. सो यूं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भी था ये क्रिटिसिज्म का शिकार होने लगता है. However, in the absence of any law to control the political parties, the political situation of the country and the problem of floor crossing, होता क्या है कि जो प्रेजिडेंट थे सिकंदर मिर्जा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देते हैं. नेशनल असेंबली, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर लेते हैं और मार्शल लॉ को डिक्लेयर करते हैं ऑन 7 अक्टूबर 1958. एंड ही अपॉइंटेड जनरल मोहम्मद अयूब खान द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो कि इतना लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में नाफिस हुआ. बट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थी, उसकी वजह से मुल्क जो था वो कंट्रोल से बाहर हो गया. और अल्टीमेटली क्या होता है कि हिस्ट्री में एंट्री होती है आर्मी की. आर्मी इन्वॉल्वमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. अब आगे चलकर हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे. सो होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.